हाँ जी, सभी को एक बार फिर से नमस्ते। और आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की इस चर्चा में, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे तुफेल जी, जिन्हें किसी अब तो परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे चैनल पर। और आपने जो विषय है वो देख लिया होगा थंबनेल में। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुफेल जी के साथ ये जो अंडरस्टैंडिंग गांधी वाली जो चर्चा है, ये हम तीन भाग में करने वाले हैं। और इससे पहले कि मैं वो रूपरेखा पे चलूं, हम एक बार तुफेल जी से जुड़ते हैं, उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते तुफेल जी, स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं नमस्ते। दर्शकों को बता रहा था कि तीन पार्ट में हम इसकी चर्चा रखेंगे। तो आज 1 तारीख को, अगले संडे 8 तारीख को, क्षमा चाहता हूँ, और 15 तारीख को। तो 3 संडे हम इसे रखेंगे और इसको एक धारावाहिक की तरह हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन था, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं तुफेल जी से निवेदन करता हूँ। तुफेल जी, आप अपना वक्तव्य स्टार्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल मैं नीरज जी, एक बात, आपने इसका श्रृंखला का नाम क्या दिया है? अंडरस्टैंडिंग गांधी। अंडरस्टैंडिंग। मैं इसमें थोड़ा सा एक बदलाव या एक अपनी ओर से कुछ एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने इसको इस तरह से देखा है और मैं इस तरह से बात करूंगा, राष्ट्र का, गांधी का उत्थान और राष्ट्र का पतन, जी ये एक 20वीं सदी की जो बहुत प्रमुख घटनाएं हैं भारत की, उनमें से एक बंग भंग है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। तो ये जो 1947 में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और फिर 15 अगस्त को ये शेष भारत स्वतंत्र हुआ, ये कोई पहली घटना नहीं है। 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल का विभाजन बाद में हुआ 1947 में, वो विभाजन पहले भी हुआ था और वो इस्लामियों के पक्ष में अंग्रेजों ने किया था। जी इतना बड़ा विप्लव बंगाल में खड़ा हुआ, इतना भयानक कोलाहल मचा कि 1911 में बंगाल से के विभाजन को अंग्रेजों को वापस करना पड़ा है, मजबूर हो गए। और ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, वो तो से 1857 के बाद ही निपट गई थी। ब्रिटिश क्राउन संभाल चुका था, ब्रिटिश क्राउन कोई भारत में नहीं था, दसों बीसों पचासों उनके पॉकेट से। उसके बावजूद भारत ने इतनी चोट दी कि इस्लामियों के पूरे साथ समर्थन के बावजूद अंग्रेजों को बंगाल का विभाजन समाप्त करना पड़ा। इसमें एक मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे दर्शक हैं जो युवा भी होंगे और बहुत लोगों को बंग भंग के बारे में पता नहीं होगा, तो अगर आप 1 या 2 मिनट में संक्षेप में बता दें तो ज्यादा मैं अच्छा। बताता हूँ, वही बता रहा हूँ कि जी बंगाल की स्थिति ये थी कि पूर्वी बंगाल, जिसे बांग्लादेश आज कहते हैं, वो सारा क्षेत्र उत्पादन का था, पटसन का, जूट का बड़ा उत्पादन होता था। और जो बड़ा व्यापार था वो कलकत्ता में था, पश्चिम बंगाल जिसे आज कहते हैं, इस सारे क्षेत्र में। तो उसके बीच विभाजन कर दिया और स्थिति ये आ गई कि इस्लामियों का वर्चस्व वहां हो जाएगा। तो भारत में इतना उपद्रव मचा, इतना भयानक विप्लव हुआ। और रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे व्यक्ति ने नदी में खड़े होकर 1 लाख लोगों के साथ शपथ ली कि हम इसके विरोध में काम करेंगे, और इस आंदोलन का जो मंत्र था वो वंदे मातरम था। राष्ट्र की जो अस्मिता है वो प्रतीकों में प्रकट होती है। और एक मैं धारणा स्पष्ट करता चलूं, कई बार लोग बात करते हैं, हमारे कुछ संगठन है वो भी बात करते हैं कि राष्ट्र की समस्याओं का समाधान राष्ट्र स्वयं करेगा, समाज स्वयं खड़ा होगा। ये बात बेसिकली गलत है। ये उस समय ठीक थी जब अंग्रेजों का काल था और भारत कई भागों में विभाजित था। एक ब्रिटिश टेरिटरी थी जहां अंग्रेज, आपने जनमन गण सुना होगा, तो उसमें जो पंक्ति है वो पंजाब मराठा द्रामिण उत्कल बंगा, ये क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ये जॉर्ज हित की सलामी के लिए लिखा था गीत, ये भारत की स्वतंत्रता का गीत नहीं है। अर्शेद जो भारत में आए थे तो उस समय लिखा गया था उनकी समय। इसकी पंक्तियां देख लीजिए, जनमन गण अधिनायक जय है, जनमन गण जो समाज है इसके अधिनायक तुम्हारी जय हो, ये राज ये कहां से हो जाएगा? वैसी सब इसकी भाषा बताती है। तो ये अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र थे। अंग्रेजों ने इस सारे क्षेत्र में भारत
भारत हिंदू और मुसलमान को बांटने के लिए बड़ी चाल चली थी, बड़ी हड्डी डाली थी कि इस्लामियों को अलग कर दें और हिंदुओं को अलग कर दें। भयानक बपला हुआ और वंदे मातरम की इसका मन था। तो मैं बात ये कह रहा था कि समाज स्वयं नहीं खड़ा होता, नेतृत्व करने वाले लोग, तेजस्वी लोग, विद्वान लोग, सेनापति, ये लोग समाज खड़ा करते हैं, स्वयं समाज नहीं खड़ा होता। तो जो हमारा पौरुष था और ये समाज का पौरुष का प्रकटीकरण प्रतीक रूप में होता है, तो जिन प्रतीकों को नष्ट करते हुए गांधी ने राष्ट्र को नष्ट किया, राष्ट्र के पौरुष को नष्ट किया, मैं उन पर चर्चा करूंगा। और इससे किसी का विरोध हो तो कृपया तार्किक विरोध जरूर करें, मुझे प्रश्न जरूर पूछें और बताएं कि ये बात गलत कैसे। ये आज जो बंगाल की स्थिति दिखाई दे रही है कि वहां बंगाल पीछे हट रहा है, बंगाल का समाज पीछे हट रहा है, इन्हें अपने पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए कि बंगाल क्या तेजस्वी समाज रहा है। विश्व में राजनीतिक परिवर्तन का समाज के दबाव से कोई भी उदाहरण नहीं है। इतना इतना तगड़ा बंगाल ने उधम मचाया कि अंग्रेजों ने कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट की थी। तुम किन लोगों की संतान हो और ढीले पड़ रहे हो? परम प्रतापी लोगों की संतान हो जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को थर्रा दिया था, कलकत्ता से दिल्ली आ गए थे। मैं यही से बात, ये पौरुष नष्ट कैसे हुआ इस पर बात करना चाहूंगा। और लिखित वक्तव्य पढ़ने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, मगर वो विषय इतने तथ्य हैं कि मुझे लगा था पढ़कर ही काम लेना पड़ेगा। परम दुष्ट, ये प्लासी की लड़ाई के बारे में बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि वो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई है, वो बिल्कुल भी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं है। महादुष्ट था सराजुद्दौला, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई, प्लासी की लड़ाई के बाद हमने स्वतंत्रता की सांस ली। हमारे परम दुष्ट नवाब सराजुद्दौला की सत्ता समाप्त होने के बाद बंगाल के हिंदुओं ने दोबारा मंदिर बनाने शुरू किए, शंखद ध्वनि आरती होने लगी, हिंदुओं पर गौ मांस के टुकड़े फेंके जाने बंद हुए, हमारे पूर्वज सार्वजनिक रूप से तिलक लगाकर नगर में निकलने लगे, यज्ञों पर भी अपमान का कारण नहीं लग रहा। इस्लामी नवाबी समाप्त होने के बाद हम चैन की सांस लेने लगे थे कि नवाब को हटाकर सत्ता संभालने वाले ब्रिटिश राज ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। तुरंत देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। आंदोलन को दबाने के लिए कंपनी ने ब्रिटिश शासन ने इस्लामियों का सहारा ले गया। 1757 में प्लासी लड़ाई के बाद ढाका के हिंदू द्रोही नवाब सिराजुद्दौला के, मैं शब्दों का प्रयोग बड़ा सावधानी से कर रहा हूँ, इसकी ऐतिहासिकता पुष्ट कर पाऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। हिंदू द्रोही नवाब सिराजुद्दौला के क्रूर और नृशंस शासन को हटे 148 वर्ष हो चुके थे, मगर बंगाल की स्मृति में इस्लामी शासन के अत्याचार ताजा थे। विराट विरोध होने लगा। बंग भंग आंदोलन भारत की आत्मा को झिझोड़ देने वाला आंदोलन था। उस आंदोलन का प्रेरणा मंत्र रण आह्वान युद्ध गीत वंदे मातरम था। यह नारा बंकिम चंद चट्टोपाध्याय के उपन्यास वंदे मातरम में उल्लिखित एक गीत का अंश है, जिसमें भारत माता की अभ्यर्थना देवी के रूप में की गई थी। आंदोलन के फलस्वरूप 1911 में बंग भंग समाप्त कर दिया गया। इस गीत को कांग्रेस ने भी राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। कांग्रेस के एक अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गीत गाया था। गांधी स्वयं इस गीत की महिमा का बखान करते थे। 1923 में वर्तमान आंध्र के एक नगर काकीनाडा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बहुत बड़ा नाम है, प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय विष्णु दिगंबर पलुस्कर इस गीत को गाने के लिए अधिवेशन में पधारे। वो पहले भी कांग्रेस के अधिवेशन में इस गीत को गाने के लिए आते थे। गीत गाने के लिए जब मंच पर पहुंचे तो उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जौहर यूनिवर्सिटी वाले आप समझ सकेंगे, ने उन्हें रोक दिया। मौलाना ने कहा कि इस्लाम में संगीत वर्जित है, इसलिए वो उसकी अनुमति नहीं देंगे। मंच पर गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद जैसे सारे कांग्रेसी बैठे हुए थे। सबके मुंह में दही जम गया, सबकी जबान बिल्ली ले गई और कोई नहीं बोला, मगर पलस्कर जी ने मौलाना को डांट लगाई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी एक सांप्रदायिक विशेष की बपौती नहीं है, न ये स्थान कोई मस्जिद है जहां पर गाने पर प्रतिबंध लगाया जा सके, अतः आपको इस बात का कोई अधिकार नहीं कि आप मुझे वंदे मातरम गाने से रोकें। ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की जो जीवनी है उसके पृष्ठ संख्या 53 पर 8वें लीजी में इसका उल्लेख किया है। मौलाना मंच छोड़कर चले गए। कांग्रेस पर मंच पर मौजूद लोगों की स्थिति बड़ी छाप साफ छंझूदर किसी हो गई, न उगले बने न निकलते बने।
अभी तक कांग्रेस का हर नेता गला फाड़ फाड़ के वंदे मातरम का नारा लगाता था, मुसलमानी नेता के विरोध के बाद धरती फटती दिखाई देने लगी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिनके नाम पर रामपुर के एमपी रहे सपा के नेता आजम खान ने उर्दू यूनिवर्सिटी बनाई है, के बारे में जानना उपयुक्त होगा। इस्लामी स्कॉलर, मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र, खिलाफत आंदोलन के नेता और घोर सांप्रदायिक चिंतन के ये व्यक्ति थे। हमदर्द कंपनी के मालिक मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि के साथ इन्होंने भी खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए सारे मुमकिन घोड़े खोले थे। कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए सच्चा व्यक्ति गांधी, जिनके बारे में तत्कालीन बहुत से कांग्रेसी ने लिखा है कि बापू की इच्छा के बिना कांग्रेस में पत्ता भी नहीं लगता, वो स्वाभाविक था, कहां से मिलता। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मंची छोड़ के नहीं गए बल्कि कांग्रेस ही छोड़ गए। मौलाना के विरोध के बाद वंदे मातरम का गान और जोर पकड़ गया। 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए और 7 प्रांतों में कांग्रेस सत्ता में आई। परंपरानुसार विधानसभा का प्रारंभ वंदे मातरम से होना था, मगर मुस्लिम लीग विरोध में अड़ गई और विधानसभाओं में बवंडर खड़ा कर दिया गया। मुस्लिम लीग के लिए वंदे मातरम मूर्ति पूजा था, अतः कुफ्र और ईमान के खिलाफ था। एक बात और आपको बता दूं, ये अनिवार्य, ये आवश्यक चीज है जो संविधान में आनी चाहिए। वंदे मातरम के विरोध के पीछे जो मानसिकता है वो समझें। ढाका का नवाब बहुत दुष्टता करता था, उसके खिलाफ जो आंदोलन चला उसको एक उपन्यास वंदे मातरम में रखा गया, इसी का ये गीत है। ढाका की नवाबी ढा दी गई तो जो संतान दल सन्यासियों का ग्रुप इसको लीड कर रहा था, उसके पास इस नवाबी को, जो कि कोई भी सिस्टम, नवाबी राजा या बेसिकली रेवेन्यू जनरेट करने का सिस्टम है, उस सिस्टम को वैक्यूम को भरने की सामर्थ्य नहीं थी, तो उनके हटने के बाद इस वैक्यूम को अंग्रेजों ने भरा। तो ये गीत मूलतः उसके विरोध में, इस्लामी समाज इसलिए खड़ा है, उसका नेतृत्व इसलिए विरोध करता है कि इस्लाम की एक सत्ता जो प्रमुख सत्ताओं में से एक थी उसको ढाने के लिए जो आंदोलन चला, ये गीत उसका गीत है। वंदे मातरम कुफर से ज्यादा इस बात की चिंता है उनके मन में। और एक चीज और आपसे निवेदन करता चलूं, इस तर्क से समझिएगा, 1857 का जो आंदोलन है उसको अभी तक ये पढ़ाया जाता रहा है कि अंग्रेजों का जिसने भारत में विरोध किया वो देशभक्त है, और अंग्रेज के साथ जिन्होंने 1857 में दिया वो देशद्रोही हैं। इसी आधार पर टीपू सुल्तान जैसा महाचांडाल दुष्ट व्यक्ति, उसको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लिखा जाता है कि वो अंग्रेजों से लड़ा। इस तर्क से वंदे मातरम गीत अंग्रेजों के साथियों का है, इसलिए देशद्रोहियों का गीत है। इतनी इतिहास लेखन में इतनी उत्पची सी वचन रखी गई है। तो बहरहाल वंदे मातरम का विरोध हुआ, तुरंत अल्पसंख्यक अधिकार के नाम पर कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और तय किया गया कि गीत के 2 ही छंद गाए जाएंगे। गीत पर इस्लामियों की आपत्ति को ठीक मान लिया गया। गांधी की संपत्ति कांग्रेस ने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि वंदे मातरम के स्थान पर कोई अन्य आपत्ति रहित गीत गाया जा सकता है। 16 अक्टूबर 1905 में भंग के बाद 6 वर्ष तक जिस गीत की छत्रछाया में बंगाल विभाजन का आंदोलन चला और जिस नारे वंदे मातरम ने ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज 5 को 11 दिसंबर 1912 को दिल्ली में दरबार कर यह आदेश वापस लेने के लिए बाध्य किया, उसके अंग भंग कर दिए गए। एक प्रतीक कैसे ढा, जो हमारा मानव था, उसको कैसे समाप्त किया गया। मैं दूसरी एक बात पर आता हूँ। एक ऐतिहासिकता है, पिछले कुछ वर्षों में विश्व भर में राष्ट्रवाद की हिलोर आ गई है। हर देश में प्रजातंत्र जहाँ जहाँ है वहाँ राष्ट्रवादी दल सत्ता में आए हैं। भारत, श्रीलंका, बर्मा, चीन, यूरोप के विभिन्न देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में वामपंथी तथाकथित लिबरल सेक्युलर राजनीतिक बौद्धिक जगत बुरी तरह से किनारे लगा दिया गया है। इन लोगों में इतनी बदहवासी है कि स्वयं को वामपंथी कहलाने का चलन समाप्त हो गया है। इसका श्रेय विश्व भर में शरिया के लिए नारेबाजी कर रहे इस्लामी झंडा बरदारों, इस्लामी खिलाफत के लिए वैचारिक बवंडर खड़े कर रहे हथियारों को जाता है। अभी ISIS के अवसान से पहले आपने काफिरों को जिंदा जलाए जाने, तलवार से गर्दने उड़ाते, काले कपड़े पहने, अल्लाह अकबर के नारे लगाते 25वां व्हाट्सएप देखे होंगे, बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने खुद ही भेजे। कुरान की आयतें लिखे काले झंडों को उड़ाते लोग उसी रास्ते पर चला दिए गए जिस पर वो दुनिया को चला रहे थे।
ये चिंता का विषय है कि 600 करोड़ से अधिक की जनसंख्या में 150 करोड़ की अल्पसंख्या का नेतृत्व, जिसे मुल्ला या मुल्लाओं को धन देने वाला वर्ग कहा जा सकता है, विश्व भर के अमुस्लिमों को धर्म नष्ट कर भ्रष्ट करने, मार डालने या जजिया वसूलने का स्वप्न देखता है। इन्हीं करतूतों के नतीजे में विभिन्न देशों में इस्लामी नेतृत्व ने शांतिप्रिय सभ्य समाज को जगा दिया है। विश्व में आज एक सवाल पूछता हूं कि आज सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? कोई भी कहेगा अमेरिका। इससे पहले कौन सबसे शक्तिशाली देश था? ब्रिटेन। उस ब्रिटेन से पहले सबसे शक्तिशाली देश कौन सा था? इस्लाम। जी हाँ, विश्व में तुर्की खिलाफत से ही 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सत्ता छीनी थी। कई तरह से निकाले थे भारत में, मुस्लिम सत्ता को ढेर किया, अन्य क्षेत्रों में तोड़ा और इस्लामी खिलाफत को खत्म किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अरब क्षेत्रों के कबीलाई शासकों को अंग्रेजों ने राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान, ईरान, इराक, सीरिया, यमन, फिलिस्तीन आदि सारे देश उसी तुर्की खिलाफत के टुकड़े हैं। यहाँ इस्लाम और उसकी खिलाफत को समझना होगा। खलीफा मजहबी और राजनीतिक प्रमुख को कहते हैं और खिलाफत उसके राज्य क्षेत्र को कहते हैं। आप लोग कई बार सुनते हो कि खिलाफत, तुम मेरी खिलाफत कर रहे हो, ये मूलतः गलत है। खिलाफत का मतलब वो एरिया जहां पर खलीफा राज करता है, जो कैलिफेट है, उसको खिलाफत कहते हैं। ये विरोध वाला शब्द जो है ना, तुम मेरी खिलाफत करो, ये बेसिकली लफ्ज है तुम मेरी मुखालफत कर रहे हो गया। खिलाफत का मतलब वो क्षेत्र जहाँ खलीफा राज करता है। यहाँ दर्शकों को एक चीज और बता देता हूँ कि जो खलीफा शब्द आता है, जब इस्लाम जिसने शुरू किया था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने, उसे तो पैगंबर कहा जाता है। उसके मरने के जो खलीफा शब्द है, उसका अर्थ है एक्चुअली में उत्तराधिकारी या सक्सेसर। तो उसके बाद जो इस्लाम का जो एक सुप्रीम कमांडर बनता है, उसे खलीफा बोला गया। तो सक्सेसर का सक्सेसर, इस तरह से खलीफा शब्द आता। जी, बहुत सही आपने बात यहाँ रखी, इस बात को ऐड करने के लिए धन्यवाद। इस्लाम में दीन यानी मजहब और दौला राजनीति बुरी तरह गुथे हुए हैं। अपने प्रादुर्भाव के साथ ही मोहम्मद और उसके बाद के अन्य सभी खलीफा शक्ति संचय करते, लोगों की हत्याएं करते रहे हैं। प्रारंभिक चार खलीफा, पहले अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्न अल खत्ताब, उस्मान इब्न अफ्फान और अली इब्न अबी तालिब रहे हैं। इनमें से तीन अपने साथी मुसलमानों की तलवार के शिकार बने मारे गए। अली के समय से ही इस्लामी जगत शिया और सुन्नी धाराओं में बट गया। दोनों वर्ग अपने अपने खलीफा अलग अलग मानने लगे और लाखों मुसलमानों को काटते मरते हुए अंततः तुर्की खिलाफत के अधीन हो गए। प्रथम युद्ध के बाद इस्लामी खिलाफत का तीर पांचा हो गया। इसके विरोध में भारत, वर्तमान भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में खिलाफत को वापस स्थापित करने की मुहिम चलाई गई। अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र करने का तब टूटा फूटा विचार रखने वाली कांग्रेस भी इस मुहिम से जुड़ गई। यह आंदोलन भयानक रूप से मुक्तापूर्ण था। स्वयं सोचिए, क्या ईरान में बात पार्टी का शासन वापस लाने के लिए दिल्ली या भारत के किसी नगर में आमरण अनशन करने का कोई मतलब है? ये मुक्ता के अलावा और क्या है? तो तुर्की की अधीनता में अरब क्षेत्रों को वापस धकेलने का आंदोलन, और वो भी भारत में, तुर्की में हो या अरब क्षेत्रों में हो, तो सामने आता है, यहाँ से क्या लेना? तो मूर्तापूर्ण है, मगर मेरे को ये कार्य गांधी ने किया। कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन में धकेलने वाले गांधी थे। कांग्रेस और गांधी की छवि के लिए ये वाहियत बहुत हानिकारक होती, इसलिए इस आंदोलन को कांग्रेस ने इतिहास में असहयोग आंदोलन लिखवाया। असहयोग आंदोलन कोई अंग्रेज के खिलाफ नहीं था, वो तुर्की की खिलाफत यानी इस्लामिक क्षेत्रों में। और उसमें एक समस्या ये थी कि भारत में अंग्रेजों से भारत की आज़ादी की बात सोचने वाला व्यक्ति अरबों पर तुर्की के गुलामी लादने को कैसे से जस्टिफाई कर सकता है? मैं दर्शकों को बता दूं कि तुफेल जी इस समय किसी पुस्तक में से नहीं पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य लिखा हुआ वो बता रहे हैं, ताकि उनका वो पॉइंट मिस ना हो जाए। ये कागज है, कोई किताब नहीं है जी। देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कांग्रेस की दृष्टि में उनकी असंदिग्ध राष्ट्रीयता को, मैं फिर शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, कांग्रेस की दृष्टि में उनकी असंदिग्ध राष्ट्रीयता को समझा जा सकता है, इससे समझा जा सकता है कि उनकी माँ अरबी मूल और पिता फारसी मूल के मोहम्मद खैरुद्दीन थे। ये अरबी फारसी के विद्वान और शुद्ध मुल्ला थे। उनका राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं। 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित, मगर विदेशी माता पिता और स्वयं शुद्ध मुल्ला। कांग्रेस और इस बेहूदगी को स्वीकार करने वाले हम भारतीय धन्य हैं, किसी ने कोई विरोध नहीं किया।
गांधी ने ही खिलाफत को वैचारिक आधार दिया। उनके अनुसार खिलाफत आंदोलन किसी व्यक्ति पर केंद्रित न होकर एक ऐसे विचार पर केंद्रित है जो एक साथ लौकिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक है। इसका आधार क्या है, ईश्वरी जाने। गांधी ने कभी सब इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। यदि तुर्क अपनी रक्षा नहीं कर सकते, यदि संसार के मुसलमान अपनी विचार शक्ति और सक्रिय सहानुभूति द्वारा तुर्कों को साथ नहीं दे सकते, तो दोनों कष्ट उठाएंगे। ये गांधी का वीर धर्म यह है कि संकट की घड़ी में तुर्कों का साथ दिया जाए। यंग इंडिया को 4 मई 1921 के पृष्ठ 656 पर यह गांधी की टिप्पणी है। गांधी ने अपने अखबार में खुद लिखा, गांधी कहते हैं, यदि हिंदू चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ शाश्वत मैत्री स्थापित हो जाए, तो उन्हें इस्लाम के सम्मान की रक्षा के यज्ञ में अपने आप को उनके साथ होम कर देना चाहिए। इंडिया एंड पाकिस्तान, पृष्ठ 219, लेखक बीबी कुलकर्णी। वक्तव्य में इन संदर्भों की आवश्यकता नहीं है, मगर अपनी बात प्रामाणिक है, ये समझने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, पढ़िएगा। कांग्रेस में भी बहुत से लोग खिलाफत के विरोध में थे। खिलाफत के पक्ष में गांधी के रखे गए प्रस्ताव का विरोध सीआर दास, बीसी पॉल, ये लालवाल पॉल की जगह ना वो है, एनी बेसेंट, सीएफ एंड्रूज, रविन्द्रनाथ ठाकुर और आश्चर्यजनक लगेगा आपको, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रमुख लोगों ने किया था। जिन्ना और गांधी का मूल विरोध ही था कि आप राजनीति जैसे गंभीर विषय में मुल्लाओं को घुसेड़ रहे हैं। भारत के इस्लामी नेतृत्व कभी भी मुल्लाओं के हाथ में नहीं रहा, ये पाप गांधी ने किया है। मुगलों ने कभी भी किसी इस्लामी बादशाह ने मुल्लाओं को की राय ली, मगर मुल्लाओं को अधिकृत नहीं किया, लेजिटिमेट नहीं किया। पहली बार लेजिटिमेसी उनको इससे मिली थी। गांधी ने मनमानी करते हुए कांग्रेस को खिलाफत में धकेल दिया। अंग्रेजों ने गांधी को जूलो बोर युद्ध में अति सक्रियता से भाग लेने के लिए कैसरे हिंद आदि पदक दिए थे। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए कि गांधी को उस लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देने के लिए पदक मिले थे, कैसरे हिंद। गांधी ने साउथ अफ्रीका में रहते हुए स्थानीय निवासियों के खिलाफ कार्य किया था। इसी कारण अभी कुछ समय पूर्व वहां के लोगों ने गांधी की प्रतिमा स्थापित करने का उग्र विरोध किया और प्रतिमा तोड़ दी। उन्हें लौटाते हुए गांधी ने लिखा, यानी कैसरे हिंद पदक को उन्हें लौटाते हुए गांधी ने लिखा कि मेरे लिए ये सम्मान मूल्यवान रहे, पर मैं उन्हें सहज भाव से तब तक धारण नहीं कर सकता जब तक मेरे मुस्लिम देशवासियों को उनकी भावना से किए गए अन्याय से कष्ट होता है। खिलाफत आंदोलन के प्रसंग में आज असहयोग की जो योजना आरंभ की गई है, उनके अनुसार मैं इन पदकों को लौटाने का साहस करता हूं। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, पृष्ठ 332, खंड 11, आरसी मजूमदार। तुर्की के राष्ट्रवादी नेता मुस्तफा कमाल पाशा ने 1922 में खलीफा को हटाकर अब्दुल मजीद अफंदी को स्थापित किया और उसके समस्त राजनीतिक अधिकार छीन लिए। तो खिलाफत कमेटी ने 1924 में विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल तुर्की भेजा। मुस्तफा कमाल ने उन्हें भगा दिया और 3 मार्च 1924 को खिलाफत का अंत हो गया। इस प्रकार भारत का खिलाफत आंदोलन भी अपने आप समाप्त हो जाना चाहिए था, मगर भारत में खिलाफत आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। केरल के खिलाफत के मुल्ला नेताओं ने स्थानीय मुगला मुसलमानों में प्रचार किया कि खिलाफत आंदोलन समय सफल हो गया है और समय आ गया है कि सभी काफिरों को खत्म कर दिया जाए और दारुल इस्लाम की स्थापना कर दी जाए। मोहम्मद हाजी को खलीफा बना के मुगलों ने जिहाद, केरल के मुसलमानों ने जिहाद शुरू कर दिया। इसमें ध्यान रहे कि कुछ मुसलमान वहां ऐसे हैं जो बहुत साल पहले अरब से आए थे, ये मुगला उनके अपने आप को वंशज कहते हैं। अभी पिछले दिनों जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें तलवार सौंपी थी वो हमने समुद्र में नहीं फेंक दी, ये वही अरब सागर में नहीं फेंकी है। जी जी जी। इस जिहाद की भयंकरता का अनुमान इससे लगाएं कि इसमें 2266 दंगाई पुलिस द्वारा मारे गए, ये बहुत छोटी संख्या है, सही संख्या की जानकारी नहीं मिलती। 1615 घायल हुए, 5688 बंदी बनाए गए, 38656 ने आत्मसमर्पण किया, 15,000 हिंदुओं की हत्या हुई। ये आंकड़ा सरकारी में दे रहा हूँ। वैसे जानकारी के अनुसार आर्य समाज के लोगों का कहना था कि 40,000 से ज्यादा हिंदू मारे गए हैं जिन्होंने वहां पर काम किया और वहां मुसलमान बनाए गए मुगलों द्वारा मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को दोबारा शुद्ध किया था, ये उनका आंकड़ा है। 20,000 हिंदुओं को मुसलमान बनाए गए, करोड़ों की संपत्ति लूटी गई, हिंदू स्त्रियों का अपहरण और बलात्कार हुए। डॉक्टर एनी बेसेंट, इनकी ईमानदारी असंदिग्ध है, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने जी भरकर हत्याएं की
लूटपाट की और उन सभी हिंदुओं को मार डाला अथवा खदेड़ दिया जिन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा। 100,000 लोगों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया। उस समय उनके तन पर केवल उनके कपड़े ही शेष थे, शेष सब कुछ छीन लिया गया। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, पृष्ठ 252, एनी बेसेंट। मालाबार की हिंदू महिलाओं ने तत्कालीन वायसराय की पत्नी लेडी रीडिंग को दिए प्रतिवेदन के शब्द देखें। हमारे जिन परिजनों ने अपने पूर्वजों का धर्म त्यागने से इनकार कर दिया, उनके क्षत विक्षत परंतु बहुधा अधमरे शरीरों से कुएं और तालाब फट गए, गर्भवती महिलाएं खंड खंड में काट डाली गईं, उनके शव सड़क के किनारे और जंगलों में फेंक दिए गए। कैसा विभत्स दृश्य था। गर्भ से अजन्मे शिशुओं के लोथड़े माताओं के कष्ट क्षत विक्षत शवों से बाहर लटक रहे थे। हमारे मंदिरों को अपवित्र कर धराशायी कर दिया गया, देवी देवताओं की मूर्तियों को चूर चूर कर दिया गया, फूल मालाओं के स्थान पर उनके गले में गोमांस के लोथड़े लटका दिए गए। गांधी एन एनआरकी, शंकर नायर जी की किताब, पृष्ठ संख्या 139। इस सबके बाद भी गांधी और कांग्रेस को खिलाफत के प्रश्न पर इस्लामियों की चिंता खाई जा रही थी। कांग्रेस कार्यकारिणी ने आधिकारिक प्रस्ताव स्वीकार किया, जहां कार्यकारिणी मोपलाओं द्वारा की गई हिंसा की निंदा करती, वहां यह भी बताना चाहती है कि उनके पास जो साक्ष्य हैं उससे पता लगता है कि मोपलों को असह्य उत्तेजनापूर्ण वातावरण मिला। सरकार की ओर से और उसके द्वारा जो प्रतिवेदन प्रकाशित किए गए उनमें मोपलों के अनुचित कामों का जो विवरण दिया गया वो एक पक्षी है और उसमें बहुत नमक मिर्च मिलाया गया है। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, पृष्ठ संख्या 364। पट्टा भी सीतारामैया, पट्टा भी सीतारामैया के बारे में स्पष्ट, और राजगोपाल आचार्य जो गांधी के समधि भी थे, उनके बारे में स्पष्ट करते हैं कि इस्लामी ये मानते थे ये तो कांग्रेस में हमारे एजेंट है, मुस्लिम लीग के लोग हैं, ये इस हद तक इस्लामियों को तलवे चाटते थे। गांधी ने मोपला दंगाइयों के लिए स्वयं कहा, वे धर्म भीरु लोग हैं जो उसके लिए युद्ध कर रहे हैं जो उनके विचार में धर्म है, और उस रीति से युद्ध कर रहे हैं जो उनके विचार में धर्म संकट है, संकट ने सम्मत है। पाकिस्तान, पृष्ठ संख्या 148, बी.आर. अंबेडकर। गांधी के इन दो प्रसंग जो आज कई बार लोगों को लगता है कि इस पर बात करने की, कुछ मित्रों ने कहा है कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, मरे हुए तो जमाना हो गया। गांधी व्यक्ति के नाते कोई समस्या नहीं है उसको, तो नीरज अत्री जी असहमत भी हो सकते हैं, नाथुराम जी ने जब लोग पठा दिया, मगर गांधीवाद जिंदा है। एक तो अजीबोगरीब स्थिति है कि किसी भी कार्य के पीछे कोई मोटिव होता है, और एक इटालियन माफिया का एक जुमला है, गॉडफादर जो बुक है हमारी पूजो की, उसमें इसका इस्तेमाल हुआ है कि अगर किसी चीज का कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा तो समझ लो बहुत बड़ा कारण है। गांधी का वध हुआ, जो जिस व्यक्ति ने मारा क्यों मारा, कारण होगा। गांधी ने कोई बहन बेटी तो छेड़ी नहीं थी, भैंस तो खोलनी नहीं थी, जो वहां पूना के लोग यहां कायचे लिए आए थे, इनका कोई दोष नहीं। तो इस पर मैं बात करूंगा, मगर एक बात जो आपसे आवश्यक रूप से कहने की है, आपको ध्यान होगा कि एक पत्रकार ने, क्योंकि इन्होंने भगवती ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, प्रज्ञा भारती जी से एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि नाथुराम गोडसे जी के बारे में, तो उन्होंने कहा वो एक निश्चित रूप से बहुत श्रेष्ठ देशभक्त थे। ये पिछले चुनाव के समय की बात है भोपाल में, जिस पार्टी ने भोपाल से उन्हें टिकट दिया, भारत में कोई 50,000 टिकट नहीं बटते पार्लियामेंट के, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसको टिकट दिया जा रहा हो वो प्रधानमंत्री को न पता हो, आज के प्रधानमंत्री ने मोदी को न पता हो, यह असंभव, और वो भी ऐसी सीट से, भोपाल जैसी सीट से जहां दिग्विजय सिंह लड़ रहे हो, उनके खिलाफ किसको टिकट दिया जाए ये उनकी दृष्टि में नहीं होगा। 100% उनसे डिस्कस होता है मामला, उनकी दृष्टि में होगा, फिर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने नाथुराम गोडसे जी के लिए ये कहा है कि वो श्रेष्ठ देशभक्त थे, तो मोदी जी ने कहा कि मैं साध्वी प्रज्ञा भारती कभी भी हृदय से क्षमा नहीं कर सकूंगा। मैं मोदी जी के बारे में या जो भाजपा के सीनियर लोग हैं उनके बारे में एक बात बताता चलूं, आवश्यक रूप से आपको समझनी चाहिए, मैं जो बात कह रहा हूं
आप हो सकता है इससे असहमत हो। और ये लोग जो बात कर रहे हैं, हम सबका मानस एक है, क्योंकि हमारा अखाड़ा एक है, हमारी यज्ञशाला एक है, हमारा विद्यालय एक है, हम सब एक जगह के ट्रेन किए हुए लोग। उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक कारणों से अपने आप को जरा सा सहम के दबा पिचका के रखते हैं। कुछ मेरे जैसे लोग हैं, इस विषय पर उनका कहना था कि मैं कभी भी प्रज्ञा जी को हृदय से क्षमा नहीं कर सकूंगा। मेरा मानना यह है कि ये जो पत्रकार आपको दबाव में ले रहा है, ताल ठूकी इसके सामने, बताइए कि इसके साथ क्या है। क्षमा करने की बात तो तब हो जब उन्होंने कुछ गलत किया हो, या नाथुराम गौडसे जी ने कुछ गलत किया हो, ईमानदारी से बात कीजिए। मगर गांधीवाद जीवित है और उसको पत्रकार जगत के लोग, जिनका काम ही है, आजकल आप टीवी पे देखते होंगे वैसे जो एंकर है ना, वो कुत्तों को भिड़ा रहा है हड्डी डाल डाल के, कभी इधर वाले को उकसा दे, कभी उकसा दे। आप ये बताइए कि इसका आपको क्षमा मांगते हैं कि नहीं, आप ये बताइए इसके लिए आपके पास जवाब क्या। अच्छा, इन्होंने ये कह दिया आपको तुरंत क्षमा मांग लीजिए। अगर तुम कौन हो क्षमा मंगवाने वाले, तुम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो। मगर उनका काम ही हड्डी डाल के कुत्ते भिड़ाना है। सारी ऐसी थुक्का फजीत क्रिएट कर देते हैं कि मेरे जैसा आदमी तो उनकी बहस भी नहीं देखता। मगर उनका इंटेंशन यही है कि विवाद खड़ा हो, तो इस विवाद को झेलने की क्षमता हमें होनी चाहिए। हम दब कैसे जाएंगे, और हम एक विचारधारा के शीर्ष लोग हैं। मैं मोदी जी की तरफ से बोल रहा हूँ, उस चिंतन की ओर से बोल रहा हूँ, मैं नहीं हूं, मगर ये सब लोग हैं, तो इनको कोई पत्रकार कैसे दबा लेगा, क्यों दब जाएंगे। तो पौरुषवान विचारधारा के पैरेलल ऐसी वाहियाती फैलाई जा रही है। कोई अंतरिक्ष से गांधी नहीं उतरा, जो भी किया उसने, उसकी सत्यासत्य विवेक जो कसौटी है, जिस पर हम सबको कसते हैं, उस पर बात तो करेंगे। हो सकता है गांधी सही निकले, मैं गलत निकलूं, मगर बात तो करेंगे। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संतु ने कर दिया कमाल, फिल्म के एक फटीचर गाने से गांधी का विवेक, गांधी के कर्तव्य तो नहीं तय होंगे, गांधी का सारा मांग में उपलब्ध है। मैंने दो बातें आज रखी आपके सामने कि वंदे मातरम जैसा श्रेष्ठ गीत इसका अंग भंग किया गया, ये हमारे मान बिंदु हैं। आप कभी आपने कल्पना की है कि हम जुलूस में जा रहे हैं 400-500 लोग और एकदम से जोर से वंदे मातरम हम बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे हमारी आत्मा में ये मंत्र उतर जाता है। ये मंत्र हम वेद की दिशाओं के लिए कहते हैं, किसी व्यक्ति के लिखी हुई चीजों को, इवन गीता के श्लोकों को भी मंत्र नहीं कहते, श्लोक कहा जाता है। वंदे मातरम हमारी आत्मा में उतर जाता है। क्यों उतर जाता है, इसके पीछे इतिहास है। उस इतिहास के कारण हम समाज बनते हैं, राष्ट्र बनते हैं। उस राष्ट्र के अंग भंग करना, पाकिस्तान से जो जियाउल हक ने एक नीति तय की थी कि वो 1000 घाव देगा भारत को, एक रीछ को एक लोमड़ी मार नहीं सकती, एक शेर को, एक लेपर्ड को एक कुत्ता मार नहीं सकता, तो 50 कुत्ते 10 कुत्ते मिलकर उसके इतने घाव देंगे कि वो रक्त स्राव से, खून बहने से, रिसने से मर जाए। उन कार्य में दो चीजें के अंग भंग हमारी राष्ट्रीयता किया, तो वंदे मातरम काट दिया, खिलाफत मूवमेंट क्रिएट किया गया। अच्छा, मैं समझता हूं कि मोपलाओं को रोक नहीं सकते, मगर मोपलाओं को जस्टिफाई करना, उन्हें लीगलाइज करना, उनके पक्ष में अच्छी बातें करना, वो कहते हैं मोपला ने वो किया जिसे वो ठीक मानते हैं। तो एक डकैती डालने को ठीक मानता है कि वो अपने बच्चे के लिए रोटी कमाता है, दूसरे के पेट फाड़ के, दूसरे की छाती पे राइफल तान के, कि क्या इसे जस्टिफाई कर लेंगे। एक चोर दूसरे के, आफ्टरऑल चोरी डकैती पेशे ही तो हैं, गुंडागर्दी पेशा ही तो है, हम इस पेशे को जस्टिफाई कर लेंगे क्या? और जस्टिफाई करेंगे तो फिर इस रास्ते पर कितने लोग खड़े हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये जो मानसिकता है जिसने गांधी का उत्थान हुआ मगर राष्ट्र का पतन हुआ, एक दिन में वो समाज जिसने बंग भंग नहीं होने दिया, 5 साल तक आंदोलन चलना को मजाक नहीं होता, 1905-16 अक्टूबर को बंग भंग हुआ और उसके बाद 1911 में 6 साल बाद बंग भंग समाप्त हो गया, रोकना पड़ा अंग्रेजों को।
6 साल तक आंदोलन चला, अंग्रेजों को अचानक कोई सपना नहीं आया था कि हम इसे चाबी हट यूं घुमाती है वैसे कर देते हैं, ऐसा नहीं हुआ। समाज ने जीना हराम कर दिया था। इस प्रतीकों को गांधी ने नष्ट किया। इन पर आज मैंने दो प्रतीकों पर बात की और अगले वीक फिर कुछ और गांधी के कर्तव्य करतूतें लेकर आऊंगा। कुछ प्रश्न किसी मित्र ने करना है तो कृपया। अब मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने आग्रह किया था 8:30 के बाद पूछिए, तो क्वेश्चन पहला तो आ ही गया। आई एम इनफाइनाइट, दोनों सुंदर आत्माओं को मेरा प्रणाम, आपको भी प्रणाम जी। नीरज जी, क्या World War III होने वाला है धर्म अधर्म के बीच? ये क्वेश्चन देखिए, इसको आप कई ढंग से सोच सकते हैं कि धर्म अधर्म के बीच युद्ध सदा ही चलता रहा है, ये सतत युद्ध है, कभी समाप्त नहीं होता। अंतर केवल इतना सही है कि आप जिस काल में मर्जी देख लें कि बुराई इकट्ठी हो जाती है, बहुत सशक्त हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि अच्छाई हार रही है। तो वैसा ही आपको लग सकता है कि World War III तो हमेशा ही चल रही है, World War I एक्चुअली जो लगातार चलती आ रही है। और तुफेल जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, व्हाई डू मुस्लिम मैन सिट एंड पी? मैं इस पे अपना निजी अनुभव बताता हूँ। मैं पाकिस्तान गया था मुशायरे में, मुशायरा शुरू होने वाला था, स्कूल में मुशायरा का थी, मुशायरा होना था। मैंने किसी से पूछा कि यार स्टेज पे जाने से पहले अब 3-4 घंटे बैठना पड़ेगा, पेशाब चले जाएं, कहाँ जाएं? तो उसने कहा सामने चले जाएं। वो फील्ड था, अंधेरा सा था, उसमें आगे बढ़ा तो थोड़ा सा दूर गया हूँ तो पीछे से एक साहब ने आवाज़ दी, हजरत उधर क़िबला है, यानी मक्का है। मैंने पलट के जवाब दिया, भाई इतनी जोर से नहीं करूँगा कि क़िबला तक पहुँच जाए, वहाँ बलवा होने की तैयारी हो गई। खैर साहब, पेशाब करके मैं वापस आया, फिर बीच में एक बार उठा तो पेशाब के लिए मैं वहाँ जो स्कूल के टॉयलेट थे उसमें गया। वहाँ खड़े होकर पेशाब करने का कोई सिस्टम नहीं था, फिर भी मैंने किसी तरह से, तो फिर किसी साहब ने कहा क़िबला खड़े होकर पेशाब न करें। मैंने क्यों क्यों क्या बात है, इसमें गड्ढा हो जाएगा, ज़्यादा ज़ोर से गिरेगी दाढ़। ये बातें समझने के लिए एक अलग सेशन लेना चाहिए, मैं किसी दिन बात करूंगा, फिर भी आपको संकेत से बताता चलूं। एक आपके पड़ोस में या किसी मुसलमान के परिवार में, मुसलमानों में सिस्टम है कि शादी के लिए पैगाम दिया जाता है लड़की के बाल, लड़की वालों से उसके माँ बाप से दूसरा मुसलमान पैगाम देता है। कल्पना करें कि एक 6 साल की बच्ची के घर में कोई 52 साल का मुसलमान जान के पैगाम दे कि मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, वो घर वाले क्या करेंगे आपके हिसाब से? पकड़ के पीटेंगे, भूस भर देंगे उसकी खाल में मार मार के। मगर ये तो सुन्नत है, मोहम्मद ने खुद जो पैगंबर है जिनके जीवन को अपने जीवन में उतारना सुन्नत कहलाता है, फर्ज होता है। हर मुसलमान को एक मिनी मोहम्मद बनना उसकी जिम्मेदारी है। मोहम्मद ने खुद आयशा से शादी की थी, आयशा 6 साल की थी और 52 साल के थे। कोई मुसलमान अपनी पुत्र वधू के साथ निकाह करना चाहे और अपने बेटे से कहे कि तुम इसे तलाक दे दो और इससे मैं शादी करूंगा, तो इस पर क्या करेगा बेटा और क्या करेगी वो उसकी पुत्रवधु? इसका जवाब मुझे मत दीजिए, कुछ सोच सोचिए। मगर ये भी सुन्नत है, मोहम्मद ने खुद जायद जो उसका गोद लिया हुआ बेटा था उसकी बीवी ज़ैनब से निकाह किया था। ये अपनी जिंदगी में डालना है, क्योंकि वो जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है वो बैठ के करता था ये काम, इसलिए तो ये जो सारी चीजें हैं ये अमानवीय हैं। सामान्य बुद्धि, सामान्य कसौटी पर कसे हैं तो ये ठीक नहीं लगते, फिर भी मुसलमान इन, अच्छा हिंदुस्तान का मुसलमान अरबी नहीं जानता, कुरान नहीं पढ़ सकता, हदीस नहीं पढ़ सकता, मुल्ला पार्टी, और मुल्ला पार्टी सच नहीं बताएगी। ये इस तरह से कि राम कथा बताने वाले या भागवत पर जो कथा करने वाले हैं वो पूरी भागवत पढ़ते थोड़ी है, जैसे मैंने आज आपके सामने पढ़ा, उसके कुछ प्रसंग हैं उन पर, वो खोटियां हैं जिन पर वो अपने वक्त पे टांगते हैं। मुसलमान मुल्ला नहीं बताएगा बात ठीक है, मगर अरबी लोग तो जानते हैं सच को, वो कैसे इसे स्वीकार कर लेते हैं? एक स्वाभाविक प्रश्न है कि जो इस्लामी व्यवस्था है उसका कारण है। आप सेना में एक चीज होती परेड,
सेना का काम संरक्षण है, रक्षण है, परेड करना नहीं है, दाएं मोड़ बाएं मोड़ आगे चल पीछे चल, ये सारी बातें क्यों होती हैं? ये मूलतः सैनिक को अभ्यास कराती है, उसके मन में ये अभ्यास करती है कि जो आदेश देगा उसका अफसर वो उसे पालन करना है। तो ये मोहम्मद ने सुन्नतें छोड़ी हैं, जो वुजू करते हैं ना, हाथ पहले यूं धो और यूं धो और मस्जिद में जा तो दाया पैर आगे रख, बाया पैर उसके बाद जाए, पजामा पहनो या कोई भी कपड़ा पहनो तो पहले दाएं हिस्से से पहनो फिर बाएं हिस्से से पहनो, वुजू करते वक्त कान में ये वाली उंगली डाल के इतनी बार घुमाओ और ये वाली उंगली डाल के इतनी बार घुमाओ, खाना खाने के बाद उंगलियां चाटो, बाएं हाथ से पानी पियो, दाएं हाथ से पानी पियो, बाएं हाथ से शैतान पीता है, ये सारी बातें इसलिए हैं, ये डूज और डोंट्स लगातार आपके सर पे सवार रहने चाहिए, आप स्वतंत्र रूप से चिंतन न कर पाए। तो बैठ कर पेशाब करना भी उनमें से एक है। वो सारा मानस, वो जो सैनिक प्रक्रिया है, बहुत सोच समझ के तैयार की गई है। मेरे एक मुर्तद मित्र हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, और ऐसे आपको अंदाजा नहीं लगेगा, इस्लाम में बहुत बड़ा टर्मोइल है। कनाडा के एक मौलाना का कहना है कि इस्लाम छोड़ने वालों की सुनामी आने को है, लाखों लोग पाकिस्तान में हैं, लाखों लोग ईरान में हैं, लाखों लोग हिंदुस्तान में हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, मैं निजी रूप से जानता हूं। आप इस प्रश्न को करने वाले मित्र से मैं सुझाव दूंगा, एक किताब है अंग्रेजी की जो हिंदी और उर्दू तीनों भाषाओं में उपलब्ध है, डाउनलोड कर लीजिए, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद अली सिन्हा साहब की किताब, टाइप करेंगे अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद तो तुरंत निकल आएगी। इसको डाउनलोड कीजिए हिंदी में, अंग्रेजी में या उर्दू में, और पढ़िए कि ये मुसलमान, उनका कहना है कि लोग कहते हैं कि मोहम्मद उम्मी था, पढ़ा लिखा नहीं था, ये गलत बात है, ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बिजनेस करने वाला बड़ा शार्प आदमी था। आप घर में अपने दो बच्चे हों, तीन बच्चे हों, या आप शिक्षक हों, 25 लड़के आपके बच्चे लड़के लड़कियां क्लास में हों, आप उनसे एक काम नहीं करा सकते, आप अपने दो बच्चों से काम नहीं करा सकते एक साथ। करोड़ों लोगों को आमादा कर लेना अमानवीयता के लिए, वो सारे काम जो बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा लगते हैं, 52 साल का आदमी 5-6 साल की बच्ची के बाप से जो उससे 2 साल छोटा कहता मैं इससे निकाह करूंगा, और वो निकाह के लिए, निकाह में देने के लिए तैयार हो जाता है। 9 साल की लड़की होती है जब, और 55 साल का व्यक्ति होते हैं, तो ये शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं। अगर कोई 55 साल का व्यक्ति 9 साल की लड़की पर हाथ भी रख दे तो पड़ोस का भी कोई आदमी देखेगा तो मार मार के पलस्तर उखाड़ देगा। इसको कैसे सह लेते हैं? उसका कारण है कि लगातार करना कि मुझसे इस्लाम के पालन में कोई गलती तो नहीं हो गई, 24 घंटे यही सवाल रहता है। तो उनमें से एक है, ये किताब जरूर पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि इस्लाम को कैसे नाफिज किया गया है, बुद्धिगम में कैसे बनाया गया, बुद्धिगम में नहीं बना, आत्मा को उतार दिया गया। तार्किक रूप से कोई नहीं स्वीकार कर सकता। बड़े पैमाने पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि मुसलमान इस्लाम का पालन नहीं करते, इस्लाम के हिसाब से तस्वीर वर्जित है, कौन पासपोर्ट नहीं रखता, कौन ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो नहीं लगाता, कौन अपने स्कूल के कार्ड में फोटो नहीं लगाता, कौन आधार कार्ड में फोटो नहीं लगाता, बैंक अकाउंट खोलेंगे तो ब्याज मिलेगा कि नहीं, कौन है जो ऐसा नहीं करता, 6 साल की बच्ची से कौन निकाह करता है, या अपनी बेटी को 6 साल की को 52 साल के आदमी के निकाह में कौन देता है, अपनी पुत्रवधू से बेटे को तलाक दिला के कौन निकाह कर लेता है, या अपनी बेटी जो किसी और से शादी की गई है उसके ससुर से वो कहे कि तलाक दे दो और शादी करा तो कौन करता है, गाना कौन नहीं सुनता, पिक्चर कौन नहीं देखता। तो इस्लाम की जो सुन्नत है मोहम्मद की, उसको कौन पालन करता है? मुसलमान नहीं पालन करते। इस्लाम को मुसलमान बड़े पैमाने पर छोड़ चुके हैं, छोड़ रहे नहीं, छोड़ चुके हैं, मगर नमाज पढ़ने को और सुभान अल्लाह और इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह कहने को वो इस्लाम समझ लेते हैं। शराब न पीना इसे नहीं मानते, मुसलमान खूब शराब पीते हैं, मगर हलाल खाना और नमाज पढ़ना, इन दो चीजों को लेकर वो समझते हैं इस्लाम है, दिस इज नॉट राइट। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है। एक एक चीज थोड़ी सी खुलकर मैं बात करता हूं, बिल्कुल व्यक्तिगत चीज, सेक्स कैसे करना है, इसके भी डूज और डोंट्स हैं। नीरज स्त्री जी, क्या मैं थोड़ा सा अभद्र अशिष्ट मगर बहुत उपयुक्त वाक्य सुना सकता हूं? देखिए, आपकी बुद्धि पे छोड़ता हूं जी। नहीं, मेरी बुद्धि पे मत छोड़ें, ईमानदारी से आप बोले।
अजहर पानी जी, बहने भी होंगी बीच में, आप बस ये ध्यान रखें, सुनने जी? बहने भी होंगी, मालूम होना चाहिए लोगों को कि इस्लाम के अंदर कैसी धारणाएं हैं जी। अजहर नुमानी रामपुर के एक शायर थे, वो परले सिरे के अबदार, बहुत ही शरारती, बहुत ही शोख आदमी, मोहल्ले में वाज हो रही थी, मौलाना इकट्ठ और कोई 250-300 लोग, अच्छा अजहर का चूंकि शोख बहुत थे तो जहां वो बैठते थे तो लोग उनके पास बैठते थे कि ये कोई ना कोई पत्ती कसेंगे, कोई ना कोई जुमला उछालेंगे। तो वाज का सब्जेक्ट था कि गुस्ल किन किन हालात में वाजिब है, किन किन कामों के बाद नहाना जरूरी है। आपकी जानकारी में ये नहीं होगा मगर आपको मालूम होना चाहिए। तो वाज कर रहे थे मौलाना, मौलाना ने फरमाया कि कोई शख्स अगर वस्ल करे यानी सेक्स करे तो गुस्ल वाजिब होता है। तो अजहर नुमानी ने हाथ उठाया, मैं थोड़ा ठंडा पानी मिला के इसके शब्दों को ठीक कर देता हूँ। उन्होंने तो बहुत ही खराब, बिल्कुल मजे का पठान था, और ये लोग आशा की किरण हैं कि इस्लाम के इस मानसिक दबाव को, चुनौतियां उसके अंदर ही हैं। तो मैं बहुत मुलायम करके बोल रहा हूँ, उन्होंने हाथ उठाया, उन्होंने कहा जी, उनका मौलाना बीवी के साथ कैसे इसका तरीका बताओ, आप समझ लें। तो मौलाना जरा तिल मिलाए, फिर उन्होंने जवाब दिया, आप किसी हिंदू आचार्य से ये प्रश्न कर सकते हैं, इस प्रश्न सूझेगा भी, मगर इस्लाम में ये बातें भी तय हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि हजरत जब ये काम करना हो तो कमरे में अंधेरा होना चाहिए। उन्होंने जी बैठ गए थे। अगला उन्होंने कहा कि जिस्म के उन्हीं हिस्सों को खुलना चाहिए जिनका इस्तेमाल करना हो। उनका जी इसी झोंक में मौलाना भूल गए कि पर्दे का लिहाज बहुत जरूरी है। तो अजहर तिल मिला के खड़े हो गए, बोले मौलाना मैंने बीवी के साथ वगैरह सवाल पूछा था, तुम तो माँ खोदना सिखा रहे हो। हमसे महफिल का आकार मच गया, मगर ये चीजें बिल्कुल पर्सनल चीज है जो बिटवीन हस्बैंड वाइफ, उन पर भी इस्लाम की दृष्टि है। पेशाब करना तो मामूली बात कर रहे हैं आप, हर चीज। और ये किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद डाउनलोड कीजिए, आपको पूरा पूरा चैप्टर मिलेगा इसमें कि क्या करना और क्या नहीं करना जी। और लगातार आपको गुलाम बनाए रखती है मानसिक, आप सोच ही नहीं सकते कि आजाद कुछ होता है जी। अगला प्रश्न है श्रीनिवास जी का, इफ आई स्पीक अबाउट गांधी ऑन हिज अदर साइड ऑफ हिज एक्टिविटीज एवरीवन इज हेटिंग मी, नॉट श्योर व्हाट इज इन देयर माइंडसेट एंड हाउ टू कन्विंस देम। श्रीनिवास साहब आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि गांधीवाद अब बिल्कुल आखिरी सांसें गिन रहा है, और जो राष्ट्रवादी दल हैं, राष्ट्रवादी चिंतक हैं, उनको बाध्य कीजिए। ऐसा नहीं है कि मोदी जी नहीं समझते कि सच क्या है। जब उन्होंने कहा था कि मैं प्रज्ञा भारती को आप कभी दिल से माफ नहीं करवाऊंगा, तो वो ईमानदारी से अल्तकैया है, वो झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी भी उसी जो व्यक्ति आपके सामने बैठकर बात कर रहा है, बहुत मामूली छोटा व्यक्ति है, मोदी जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मगर हम सब एक ही अखाड़े के हैं, हमने दांव वहीं सीखे हैं, कहीं अलग के लोग नहीं है। तो वो जो बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव आया और उनको ट्रेनिंग नहीं है कि आग्रह करके ताल ठोके, मगर ये है। और इसके लिए बदलाव कैसे आएगा, आप आज से 5 साल पहले, बल्कि और थोड़ा सा पहले पीछे चले जाते हैं, कंधार कांड हुआ, मैं अर्ज करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जसवंत सिंह जी जो बीजेपी के लीडर थे, उनकी किताब है जिना पर, मोहम्मद अली जिना पर उन्होंने लिखी है, तो उसका हिंदी और उर्दू अनुवाद मैंने और मेरे मित्रों ने मिलकर एक टीम बनाई थी, उसे किया। भारत तो में इंडियन एयरलाइंस का एक विमान जो काठमांडू से आ रहा था उसको अपहरण कर लिया गया, और उसके बाद भारत सरकार को विवश किया गया कि से बड़े आतंकवादी छोड़े जाएं। वो विमान यहां से दुबई गया, दुबई ने मना कर दिया, पाकिस्तान में उतरना चाहा, पाकिस्तान ने मना कर दिया, तो फिर उसका पेट्रोल खत्म हो गया था, होने वाला था, तो वो अमृतसर के हवाई अड्डे पे उतरा, वहां उसका पेट्रोल भरा गया और उसके बाद वो कंधार चला गया, वहां कुछ दिन रुका, 2-3 दिन,
और जसवंत सिंह जी भारत से गए और उसके बाद वो विमान 5 लोग यहाँ से जो मांगे थे वो दिए गए। अपुष्ट जानकारियां ये हैं कि कुछ 100 करोड़ डॉलर दिए गए, सोना दिया गया वगैरह वगैरह। मैंने जसवंत सिंह जी से पूछा कि जसवंत सिंह जी ऐसा कैसे हो गया? अनुवाद करने के समय में ऑलमोस्ट हर रोज ही मेरी उनसे बात होती थी और दूसरे दिन मुलाकात होती थी। जब आत्मीयता का स्तर ये हुआ कि मैं उनसे प्रश्न कर सकता था, मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। मेरी जानकारी थी इंडियन लाइंस में, उस समय इंडियन लाइंस ऑपरेट करती थी और ये इंडियन लाइंस की फ्लाइट थी, एयर इंडिया की नहीं थी। तो इंडियन लाइंस के एक सीनियर व्यक्ति थे, वो मेरे मित्र थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम इमरजेंसी मीटिंग थी प्रधानमंत्री कार्यालय में, हम लोग बाहर लगुए भगुए छोटे व्यक्ति बैठे थे, लंबे लंबे वो दस्ताने पहने हुए वेटर कचौड़ी और समोसे गरम गरम लेकर जा रहे थे, इमरजेंसी मीटिंग है, और पेट्रोल भरवा कर अमृतसर में विमान उड़ गया। अगर वो हमारे पास नहीं उतरा होता तो ठीक था कि हम असहाय थे, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, भारत के बीच में पाकिस्तान है, वो हमें एक्शन नहीं लेने देगा। ठीक बात समझ में आती है। मगर जब यहाँ उतरा था तो एयरपोर्ट पर विमान के सामने अगर 4 भैंसे खड़ी हो जाए, एक जीप खड़ी कर दी जाए, 25 लोग खड़े जाए, तो विमान नहीं उड़ सकता, हमारे कंट्रोल में होता, हमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई किसी की समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, सब हक्के बक्के थे। मैं तो उस समय मजबूर था, उन्होंने कहा कि मैं वित्त मंत्री था, एक आम विदेश मंत्री का था या गृह मंत्री का था, कोई भी हुआ क्या था कि वहां जो आईबी के और रॉ के ऑफिसर थे सेकंड टू कमांड, उन्होंने कहा कि सडन कोई निर्णय लेना पड़े तो हमें वहां कोई व्यक्ति चाहिए, मोबाइल का जमाना नहीं था, उस तरह से मोबाइल ऑपरेट नहीं होते, तो वहां कोई ऑफिसर चाहिए। तो हिसाब गए, जसवंत सिंह जी ने मुझे बताया कि आपने नेटवर्क नहीं देखा होगा, मैंने देखा है, वो फ्लाइट जो खड़ी है 2-3 दिन से, लोग खाना खा रहे होंगे तो प्रेशर बनेगा, पूरे फ्लाइट में शौच माल गंदगी सब भरी हुई थी, तो मैंने नर्क देखा है। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे होगा, बोले किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, और प्रधानमंत्री आवास पर पत्रकार कुछ लोगों को इकट्ठा करके, वहाँ जो फ्लाइट में थे उनके परिवार वालों को इकट्ठा करके ले गए और मुर्दाबाद जिंदाबाद हुआ, प्रेशर में आ गए। प्रधानमंत्री प्रेशराइज हो सकता है, और प्रधानमंत्री प्रेशराइज हो सकता है तो काम कैसे बनेगा? कल को सैनिकों के परिवार के लोग कह सकते हैं कि हमारे बच्चे मर जाएंगे, साहब लड़ाई मत करो, देश का रक्षण मत करो, पाकिस्तान गोली चला रहा है पीछे हटा दो, ये कैसे हो सकता है? अभी इससे सह कैसे सकते हैं? मैं अब तुलना से एक उदाहरण बताता हूँ। ये जो मायावती के बॉस थे ना, क्या नाम, नाम बताए, कांशीराम, ये जो आशुतोष है ना, जो आपकी पार्टी का बड़ा भारी 30 मार्खान लीडर बनता है, पत्रकार था, ये दोपहर में उनके बेडरूम में कैमरामैन के समेत घुस गया, इंटरव्यू लेना है, तो सो रहे थे। कांशीराम ने चप्पल निकाली और तेरी माँ तेरी बहन करते हुए जूते आते हुए आगे आगे कैमरामैन, वो उनकी फोटोग्राफी कर रहा, वो पीट रहा है उसको, कूटते हुए था घर से बाहर, साले तेरे बाप का नौकर, तू कौन है इंटरव्यू लेने वाला, जबरदस्ती हमसे इंटरव्यू लेगा, पत्रकार दबाव दे रहा है। उसने सवाल पूछा कि इस नाथुराम गोडसे जी पर आपका क्या वक्तव्य है, प्रज्ञा भारती ने जवाब दिया, जो उनकी जानकारी उसी के आधार पर जवाब देंगे, उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया, उनसे प्रश्न पूछा गया, उसका वक्तव्य आया, उस वक्तव्य की आड़ में प्रधानमंत्री दबोच लिए गए। तो प्रधानमंत्री को लगा कि इस चुनाव के समय में गड़बड़ हो सकती है, काल तो वही है, ट्रेनिंग तो वही है जिसमें मैं ट्रेंड हूं, जो मैं खुलकर बोल रहा हूं। मोदी जी ने क्यों जवाब दिया कि इसलिए घेर लिया गया। मगर एक पक्ष वो है जो कहता है कि नहीं गांधी जी के बारे में ऐसा नहीं, दूसरा पक्ष वो कहता है कि गांधी ने जो किया, उन्होंने जो भी लिखा जो भी कहा, वो सब कुछ भारत सरकार ने एकत्र किया है, वॉल्यूम्स में चीजें हैं सब है। और जो तीसरा वक्तव्य आएगा मेरा 15 नवंबर को, उस दिन गांधी का निर्मिति कैसे हुई, गांधी का मानस बना कैसे, उस पर बात करूंगा। तथ्य हैं, सब भारत सरकार के पास ही हैं जैसा है, तो हम ईमानदार बात तो करेंगे।
गड़बड़ तो नहीं की जा सकती। तो ये एक सहज बात है, इसको समझिए और इसका ध्यान कीजिए कि ये पत्रकार और लोग, आपको ध्यान होगा अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे कोई सवाल पूछा इस्लामिक इशू पर, उन्होंने कुछ उत्तर दिया, उन्होंने प्रति प्रश्न किया, प्रेसिडेंट ने पूछा आपसे, वो लेडी अवॉइड कर ली, उसने कहा फलाने बहुत बात करो, तो उस लेडी ने खड़े होकर कहा मैंने आपसे सवाल पूछा, बोले मैंने आपको जवाब दिया, आपको समय दिया, आपने कहा अवॉइड, वो फिर खड़ी हुई, उन्होंने कहा थैंक यू आई एम लीविंग बाय बाय, निकल गए। आप पत्रकार किसी भी वामपंथी किसी भी कांग्रेसी किसी और के दावों में कैसे आ सकते हैं, और आप आ सकेंगे तो राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? वो पूछेंगे कि आपने कोर्स में बदलाव कैसे कर दिया, तो आप कहेंगे हमने तो कौमा तक नहीं बदला, तो हम करेंगे कि आप कौमा तक नहीं बदलने के लिए नहीं भेजे गए, आपकी पालकी हमने उठाई, हमारे कंधे छिले हैं। तो कल्पना कीजिए कि वो बंगाल का एक आम आदमी, पहले इलेक्शन में जब मोदी जी को न तो भाजपा लानी चाहती थी न संघ लाना चाहता था, वो 100-100, 200-200 रुपए के अपने मोबाइल चार्ज करा के नीरज अत्री जी के मेरे इसके उसके पोस्ट शेयर कर रहा था, व्हाट्सएप कर रहा था, समाज में हेलो क्रिएट कर रहा था कि राष्ट्र धर्म के पथ पर चले, उस पथ उसको निराश नहीं कर सकते लगातार, और जो इसके बीच में कह रहा है उसके खिलाफ खड़े हुए, व्यक्तिगत रूप से खड़े हुए, व्यक्तिगत रूप से प्रहार कीजिए, तेजस्वी बनिए, वीर बनिए, यही धर्म की विजय का पथ है। बहुत अच्छे से, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, और इसमें हो सकता है, ध्यान रहे कि राष्ट्रोत्थान का यज्ञ है, इसमें मुन्नों की आहुति चढ़ती है, मेरा गला भी चढ़ सकता है, नीरज अत्री का सर भी जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा, वीर गति कोई छोटी बात नहीं होती, बिल्कुल चिंता नहीं है मेरे बेटे का क्या हो, मेरी बीवी का क्या हो, इसकी कोई चिंता का विषय नहीं है, मगर राष्ट्रोत्थान के यज्ञ में आहुति दीजिए, तैयारी कीजिए, इसकी मनस्थिति बनाइए। और एक छोटी सी बात है, केवल प्रश्न पूछना है, उद्धत होकर प्रश्न पूछना है। शिरीष पात्रा जी पूछ रहे हैं बाय व्हाट लॉजिक गांधी राष्ट्रपिता भारत है एग्जिस्टेड फॉर थर्ड, बिल्कुल ठीक बात है शिरीष जी, आपने स्वयं उत्तर दे दिया है, राष्ट्रपिता गांधी को कांग्रेस के लोग कह सकते हैं, मगर आरटीआई में ये बात आई है कि भारत के राष्ट्रपिता के नाते गांधी का नाम नहीं है। आखिर जिस राष्ट्र के राम पिता नहीं है, कृष्ण पिता नहीं है, उसका गांधी या कोई और कैसे हो जाएगा? कि ये पिता हैं, ये सह पिता हैं, ये उससे छोटे पिताजी हैं, उससे छोटे पिताजी हैं, उसके चाचा हैं, ये सब क्या है? ये मूर्तापूर्ण बातें हैं, मगर ट्रांजेक्शन ऑफ पावर हुआ 47 में, तो गांधी के मरने के बाद एक ब्लैंक चेक सा था और घेरना। मैं एक घंटा हो गया है, मैं तो 30 मिनट के मूड में था, लंबी बात चल गई है, मगर मैं चलिए इस बात को 2 मिनट में मोर माइंड अप करता हूं। भारत में पाकिस्तान का राजदूत कौन था? स्थाई टेम्पररी जो आया चला गया, आपको मजेदार लगेगा ये, कुलदीप नैयर, अभी मर गया है। तो कुलदीप नैयर भारत में पाकिस्तान की एडवोकेटिंग करता था हमेशा, एक बहस में मैं हत्या चढ़ गया उनके बहस में, तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि 1947 में जब आप विभाजन हुआ तो आपकी आयु क्या थी? उन्होंने कुछ 18-20 साल बताई। उससे पहले पाकिस्तान में आरएसएस का हाल क्या था, आर्य समाज का हाल क्या था, हिंदू महासभा का हाल क्या था, तो उन्होंने बताया कि आरएसएस की बड़ी शाखाएं लगती थी, हिंदू महासभा धर्म लोग थे, आर्य समाज शुद्धियां करता था और बड़ा बुरा माहौल बना दिया, हिंदू मुस्लिम झगड़े कराए भला। ठीक, 1947 में विभाजन हो गया, वो सारे लोग भारत आ गए, उनको रहना मुश्किल था। आप क्यों आ गए? आप तो हिंदू मुस्लिम एकता समझा रहे थे, वहीं क्यों नहीं बैठे? ये जो सच्चर कमेटी बनाई, इसके जूते पड़ने चाहिए हरामजादा, इसका घर जला दिया गया तो पाकिस्तान से भाग कर आए, समझी है ये इसका कुलका को भाग आया, वहीं रहता ना, वहां समझाता हिंदू मुस्लिम। अबे हमें क्यों समझा रहे हो, वहां क्यों नहीं रहे तुम? तो बेसिकली एकदम सन्नाटा छा गया, बिल्कुल जिप लग गई, एक लफ्ज नहीं बोल पाए। तो ये सवाल तो
स्पष्ट होना चाहिए कि ये सारे तामझाम ये बात खुराफात यहाँ पर होती है, मगर ये कुलदीप अय्यर कर क्यों पाए? पत्रकार वार्ता को उन्होंने वो थी पूरा एक्टिंग थी उसमें, मैंने उसे कहा तो उसमें वो सहम गए पीछे हट गए। मैं खुद सोचता हूँ कि कुलदीप नैयर अगर ऐसी बकवास करते समय दो तीन बार सार्विक उसे पिट गए होते तो उनका पाकिस्तान का जो भारत में एक सारा बवाल फैलाते थे खत्म हो गया। ऐसे किसी भी दुष्ट को व्यक्तिगत रूप से दंडित कीजिए, दो चार बार दंडित होना पर्याप्त है, उसके बाद जिंदगी भर कुछ उतर जाएंगे। आज जो बातें मैं कर रहा हूं सामान्य लोग नहीं करते, उसका कारण क्या है? लोग इस्लाम से आतंकित हैं। आखिरी जो बड़ी मृत्यु हुई है वो स्वामी श्रद्धानंद की हुई है, 40s में मरे थे, उसके बाद कितने साल रह गए, कितना गंगा में पानी बह गया है, मगर हम चिंतित हैं। क्यों है? अब क्या हुआ है कि एक कमलेश तिवारी की मृत्यु हो गई है, ठीक, इतने लंबे साल में, मगर हम दबे हुए क्यों दबे? हम सच के पथ पर हैं, सत्य पर हैं, राष्ट्र हमारा है, धरती हमारी है, परंपराएं हमारी हैं, फिर भी हम सहमे हुए हैं। क्यों सहमे हुए? भारत में फ्रांस का कि प्रधानमंत्री फ्रांस के नेता के मित्रों के पक्ष विरोध में सारी बदतमीजी हो रही है, आपके मन में क्यों नहीं आता कि आप 85 लोग सही एक जुलूस निकालें उसके पक्ष में, विरोध करें कि ये बदतमीजी हो रही है, ठीक नहीं है, कहीं तो ललक दिखाइए, राष्ट्र के पक्ष में खड़े होइए। इस मामले में व्यक्तिगत जिम्मेदारी कि मैं क्या करूं, प्रधानमंत्री को कानून बनाना चाहिए, राष्ट्रपति को यह करना चाहिए और सेना अध्यक्ष को यह करना चाहिए, फालतू की बातें मत करिए। ये इतनी मूर्तापूर्ण है, जैसे मैं उस उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ, बड़ा काम का उदाहरण है, बाड़मेर में बहुत गर्मी है, चेन्नई में बहुत गर्मी है, तो ऐसा करते हैं माउंट एवरेस्ट को उखाड़ के लेके चलते हैं, वहां रखेंगे तो उससे टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, ये ऐसा काम है। तुम क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ, ये व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कर सकते, तो इतना तो करें, नीरज जत्री है, जयपुर डायलॉग है, न्याय मंच है, इसको कुछ पत्र पुष्प की आहुति तो दें, सब दूसरे ही करें और हम पैसा कमाएं, ये कैसे होगा? राष्ट्रोत्थान का यज्ञ है, व्यक्तिगत आहुति हर व्यक्ति की चाहिए। ये एक घंटे से ज्यादा कुछ पूछना हो तो जल्दी पूछिए, नहीं तो फिर ये तो जय श्री राम ही कर रहे हैं, जय श्री राम राजेश जी, श्रीनिवास जलाला जी, अच्छा प्रश्न नहीं पूछा है, केवल सहयोग कर रहे हैं। अच्छा इनका प्रश्न आया, व्हाट वाज सीन इन गांधी बाय रविंद्रनाथ टैगोर हु कॉल्ड हिम महात्मा, एनी इनसाइट्स डू वी हैव? मैं साहब ये तो रविंद्रनाथ टैगोर से पूछने जाना पड़ेगा, बहुत दूर रहते हैं वो, यहाँ नहीं है, बड़ा मुश्किल है, अभी तो जीवित हूँ, उनसे ही पूछने का विषय होगा, मगर कोई गंभीर विषय नहीं हो सकता। राजेंद्र चौरसिया जी पूछ रहे हैं, आजादी के बाद भारत में मुसलमानों को हर क्षेत्र में बढ़ाया गया सिवाय की शिक्षा के, जबकि कांग्रेस ने 6 मुस्लिम शिक्षा मंत्री दिए आजादी के बाद, ऐसा क्यों? चौरसिया जी, विश्व भर में जनतंत्र प्रजातंत्र इस्लाम का टूल बना हुआ है, कारण उसका है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाख सवा लाख डेढ़ लाख दो लाख ढाई लाख वोट होते हैं, ये इकट्ठा वोट करते हैं, जिस व्यक्ति को 7 लाख की में जीतना है उसमें 3 लाख 3.5 लाख वोट चाहिए, तो ये 1.5 लाख 2 लाख जिसके पक्ष में हो गए तो उसमें प्लस करने के लिए भी 1 लाख का काम करना है, तो वो इन लोगों के पक्ष की बात करता है। इवन ब्रिटिश क्राउन के लोग प्रिंस फिलिप जाकर मस्जिदों में तारीफें करते रहे, फ्रांस का भी ऐसा हाल है, ब्रिटेन का भी ऐसा हाल है, तो ये स्वाभाविक है, मगर उसका हल ये है कि हम आप सब लोग मिलकर 2.5 लाख का वोट बैंक बनाए। सावरकर जी ने बहुत पहले कहा था कि अगर हिंदुवाद की लहर खड़ी होगी तो ये कांग्रेस के लीडर कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे। आज से 10 साल पहले 5 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार धोती पहन के मंदिरों में चंदन लगा के घूमेगा? राहुल गांधी कर रहा है ये, पप्पू ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं हिंदुवादी हूं। इसका बाप ही था जिसने शावानो केस पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को पलटा था, आज उसका बेटा चंदन लगा के धोती पहन के घूम रहा है, और जो दक्षिण के मंदिरों की परंपरा है कि एक लुंगी और एक कंधे पर वस्त्र, सिला वस्त्र नहीं पहनते, वो करके जा रहा है, क्यों जा रहा है?
तो ये आप पर है जिस दिन, ये तो तब है जब भारत में 32-33% से भाजपा की सरकार आ गई है। ये अगर 60% हो गए वोट आपके, तो तय समझ लिए सब आपकी बात बोलेंगे, सबके सब गाएंगे आपके पक्ष में। मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रवाद, आपको जानकारी देता चलूं, भारत के जो मुख्य रजवाड़े हैं, लोग समझते हैं वो राजपूतें नहीं हैं, यादवों की बहुत बड़ी रजवाड़े राजशाहियां रही हैं भारत में, बहुत तेजस्वी राजशाहियां रही हैं, राजनीति को बहुत समझने वाले लोग हैं, बड़ा वर्ग वहां से मिलता है, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। अगर इनको लगेगा कि राष्ट्रवाद हिंदुवाद से काम चलेगा, तो ये आपसे मुझसे कहीं ज्यादा प्रखर हिंदुवादी लोग होंगे। तो वो कांग्रेस कर रही थी, इसलिए कर रही थी कि वहां से वोट आ रहे थे। अब आप क्या आएंगे तो आएंगे। प्रश्न मुझे लगता है आज समाप्त हो गए हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुपेल जी आपका, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने यहाँ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और प्रश्न भी पूछे। अच्छा, मेरा एक विषय रहता था तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन तुपेल जी आपको कुछ व्यस्तता है तो आप कहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं ना थोड़ा सा गांधी जी पे जैसे पढ़ रहा था तो कुछ चीजें मैंने नोटिस करनी शुरू की कि ये राष्ट्रीय पटल पर पहुंचे कैसे, तो कि जब ये अफ्रीका में थे तो वहां से यहाँ आ रहे हैं तो कैसे पहुंचे, उसके बारे में जब मैंने इसको देखना शुरू किया तो एपिसोड में लूं उसको जी, 8 तारीख को जो एपिसोड है उसमें लेता हूँ कि गांधी को एस्टेब्लिश कैसे किया गया, ठीक है क्या निकाला गया, ठीक है, आगे वाले में लेता हूँ इस विषय को। चलिए, इतने में एक क्वेश्चन और आ गया, वो ले लेते हैं। नीरज सर, हमारे पास रिजवान अहमद के खिलाफ कुछ सबूत है, हम चाहते हैं कि आप उन सबूतों को देखें तथा जनता की अदालत में रिजवान अहमद को खड़ा करें। जी, आप भेज दीजिए सबूत हमें जो भी हैं। एक और निवेदन करूं, इस रिजवान अहमद ने धमकी दी है कि अजय पर 1 करोड़ का मुकदमा करेगा। अच्छा, तो बेसिकली वो क्या करने वाला है कि मानहानि का दावा करेगा। मान हानि के दावा करते समय सबसे पहली जो जरूरत होती है ये साबित करना पड़ता है कि तुम मान के योग्य हो। तो हमारा काम ये है कि हम साबित करें कि महालफंगा, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं, इसकी हानि काय को होगी, इस पे हमने बोला तो हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए कि हमने बोला। तो कृपया संजय दीक्षित जी को वो सबूत भेज दीजिए। हाँ, जयपुर डायलॉग्स पे भेज सकते हैं, मैंने अभी अपना मेल आईडी या चैट में डाल दिया है, patri@gmail.com मुझे भेज सकते हैं, उन्हें भी भेज सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। उन्हें भेजिए, और मैं, मेरा जो चैनल है तुपेल चतुर्वेदी, इसी नाम से है, कृपया उसे सब्सक्राइब करें। उसे सब्सक्राइब करें, तुपेल जी के बहुत बहुत ज्ञानवर्धक आपको वहां से चीजें जानने को मिलेंगी। और इसी के साथ हम धन्यवाद करते हैं तुपेल जी का। अगले सप्ताह इसी समय हम बैठेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि गांधी जी किस तरह से हमारे जो नेशनल स्मृति पटल है और जो राष्ट्रीय पटल है वहां पर कैसे आए थे। तो इसी के साथ तुपेल जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम, नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे।